आज हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं गंगा पथ का। जहां से गंगा पथ एक तरह से शुरू होगा वहां पर है। मैं जब यहां पर आया हूं और ये वर्क प्रोग्रेस जब मैंने देखा है इसका, तो देख करके मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। इसका पहला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस स्पीड में इन लोगों ने काम किया है गंगा पथ के पायों के निर्माण का। और आप देख सकते हैं कि पाइलिंग वर्क इनका कम्प्लीट हो चुका है और फाउंडेशन वर्क भी कम्प्लीट हो चुका है, और जो पाया है वो पाया का जो छर है वो बाहर निकल चुका है, ये देख सकते हैं। और साथ ही हम आपको दिखाते हैं सामने जो 6 लेन ब्रिज बन रहा है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि 6 लेन ब्रिज जो उजला वाला दिख रहा है आपको वो कितनी दूरी पर है। कोई खास दूरी नहीं है कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन ब्रिज से गंगा पथ की दीदारगंज में। ये देख सकते हैं कई पायों को तैयार, पायों को नहीं, पायों के फाउंडेशन वर्क को कंप्लीट कर दिया है और इसका बेस भी तैयार है, बस पाया खड़ा करना है। और पाया जब खड़ा हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं सरिया, उसके बाद इस पे पियर कैप बनाया जाएगा। और भी कई पायों का निर्माण होना है लेकिन अभी यहाँ पर हमें काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। और जो मैंने पता किया है, यहाँ पर कुछ लोगों से पूछा है तो उन्होंने यही कहा है कि पिछले एक महीना से शायद यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो काम स्पीड में इन्होंने किया है वो काबिले तारीफ़ है। क्योंकि यहाँ पर पिछला वीडियो भी हम लिंक इसमें पेस्ट कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना कम समय में इन लोगों ने ये काम करके कंप्लीट कर दिया है। आपको बता दें कि इसी सीध में गंगा पथ इस तरफ निकलेगा और निकल करके जो रोड है आगे, मेन रोड जो है उसमें जा करके मिलेगा इसी सीध में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, इनका एक पीले रंग का ये यहाँ पे डाला हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने मार्किंग किया है, ये पीले रंग का जो दिया हुआ है खंभा, इसी सीध में आगे भी है। और इसी सीध में आगे जो झोपड़ी नुमा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं इसी सीध में है, इसी सीध में ये गंगा पथ जाएगा। अभी फ़िलहाल देख सकते हैं इधर काम होना अभी बाकी है, लेकिन इस तरफ जो भी काम हुआ है वो देख सकते, काफ़ी कम समय में इन लोगों ने ये काम करके यहाँ पे रख दिया है। ये देख सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन ब्रिज है, ये देख सकते हैं कि अगर देखा जाए कैमरे के हिसाब से तो इसका पाया और उसका ये एक दूसरे के आमने सामने हो जाता है। ये यहाँ पर इसका ये पाया है ये, और इस तरफ ये देख सकते हैं, उधर भी केबल वगैरह कई में लग गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि केबल कई में लग गया है और सुपर स्ट्रक्चर भी चढ़ चुका है कच्ची दरगाह बिद्दुपुर ब्रिज का। नज़दीक से चलेंगे क्योंकि हम जब जाते हैं तो पूरा अपडेट देते हैं और पूरा एज टू एज अपडेट देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गंगा नदी में भी ये बन गया है। ये देख सकते हैं, ये आपको वहाँ से दिखा रहे थे, अब यहाँ से भी दिखा दे रहे हैं। यहाँ से ये इसी सीध में गंगा पथ उधर से आ रहा है दीघा की तरफ से, और यहाँ पर आकर के जो पटना बख्तियारपुर रोड है उसमें जा कर के मिलेगा। वहाँ पर देख सकते हैं वो झोपड़ी नुमा जो आपको दिख रहा है ये खंभा, इसी सीध में ये सीधा निकल जाएगा। तो यही अपडेट है, गंगा पथ का काम चल रहा है और अपने स्पीड से चल रहा है। गंगा पथवे का काम कई चरणों में कई जगह पे हो रहा है, इसका एक पैकेज भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें आपको एज टू एज जब पूरा डिटेल जो भी उसका इन्फॉर्मेशन वो देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुँचे उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। जय भारत, जय बिहार।